बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कोविड-19 के पश्चात पहली औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। लोकोमोटिव निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 67 ऐसे उत्पादों के फीचर को प्रदर्शित किया गया जिनके 3 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं, तथा 127 ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किया गया जिनके 5 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं। प्रेस विज्ञप्ति को संबोधित करते हुए जीएम अंजलि गोयल जी ने कहा कि उत्पाद आवश्यकताओं की बेहतर समझ से गुणवत्ता युक्त स्वदेशी निर्माण क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा एवं आयात पर निर्भरता कम होगी। बरेका एक परिवार है, तो आप यहाँ जो भी इंतज़ाम देख रहे हैं और जो भी आपने डिस्प्ले देखा है वो सब हमारी पूरी टीम का काम है। तो मैं कुछ शब्द पहले कहना चाहूँगी। ये कोविड के बाद का सबसे पहला इंटरैक्टिव वेंडर मीट है जहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमें सरकार से मिली है जो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा है, यहाँ का जो बरेका है, चितरंजन प्लांट है, रायबरेली, ऐसे किस्म के प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं सारे के सारे हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाते हैं। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा है वो आगे रहे। और हमें बहुत गर्व है कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पूरे कोविड के समय कभी भी हार नहीं मांगी, ट्रेन्स चलती रहीं, प्रोडक्शन लाइन चलते रहे, जो भी पैसेंजर हो या गुड्स हो उनकी सर्विस जैसी ज़रूरत थी उसको हमने बहुत बढ़ावा दिया है। और इसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है कि हमने लोकोमोटिव प्रोडक्शन चाहे पैसेंजर का हो या फ्रेट का हो उसको बरकरार रखा है। और बरेका एक ऐसी इकाई है जिसने पिछले साल से भी ज़्यादा लोकोमोटिव उत्पादन करे हैं। वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है बिकॉज़ जब पूरा देश, जब पूरा विश्व थोड़ा सा कोविड से पिछड़ गया था, बरेका वालों ने हार नहीं मानी, उन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिया है। इसके लिए मैं पूरी बरेका की टीम की आभारी हूँ और गर्व भी है मुझे कि मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ।